हैप्पी बर्थडे। ओए 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 ओए, अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। एनर्जी के लिए, ताकत के लिए यूज कर सकते हो अगर आपको लेजीनेस फील हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो यार, नाश्ता हमने कर लिया है और आलिम देखो क्या कर रहा है भाई, टीवी में देख रहा है अपनी व्लॉग है और अपने आईफोन 13 के मजे ले रहा है। वह चार्जिंग पे लगा के यूज कर रहा है, बैटरी लेवल खराब हो जाएगा। होता है भाई, चार्जिंग पे लगाए लगाए करेगा तो बैटरी हेल्थ तेरा 100 से एकदम ही डाउन हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा। और भैया हमारा मिट्टू क्या कर रहा है, मिट्टू राजा टू या रानी, मिट्टू राजा तो बैठा है मस्त है। मिट्टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू जी। देखो टुनिया तो बस काटने पे लगी है, ये पर्दा काटती रहती है, ये पूरा बेकार कर दिया इसने। मिट्टू आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा। अले ले ले ले, वेरी गुड। देखो टुनिया भी आ गई। चिल्लाते नहीं बेटा, गंदी बात होती है ना, आप बोलते हुए अच्छे लगते हो सिर्फ चिल्लाते हुए नहीं। रानी क्या कर रही है, बदतमीज, ये बदतमीज ना बच्चा। ये देखो आलिम भाई रेडी होके आ गए हैं, आलिम जा रहे हैं अपने दोस्तों के घर पे, इसके दोस्त ने बुलाया, कल आए थे ना वो लोग तो उन्होंने बोला आज तू आ, ठीक है। गाइस कमेंट में बताओ मैं कैसा लग रहा है। अरे सही लग रहा है, अरे सही है, जा चल। मिट्टू हंस रहा है, मिट्टू को हंसी आ रही है भाई, तू अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब तेरा मजाक बना रहा मिट्टू है। ओए होए होए, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। आलिम भैया जा रहे हैं, चले गए आलिम भैया, गए आलिम भैया। अट अट गंदा बच्चा है। क्या हो गया, हंसी आ गई मिट्टू को, हंसी आ गई भाई, गुस्सा भी आ गया भाई। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ओए 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 ओए, अच्छा, गंदी बात हो रही है, गंदी बात, हाँ गंदी बात ही है, पिटाई कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे। ओए 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 ओए, ऐसे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बोल रहा है भाई, सीखा नहीं है अभी ठीक से, चलो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हैप्पी बर्थडे टू यू, टू ही थोड़ी है, टू यू है, टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए ओए या रसूल अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। तो गाइज मैं निकल चुका हूँ घर से और जा रहा हूँ मानव के पास, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाइज उसके घर, देखता हूँ कैसा है। गाइज मैं लोकल ट्रेन से जाऊँगा। गाइज मैं मास्क लेना भूल गया था घर से, तो मैंने अभी लिया है मेडिकल से मास्क। तो गाइज मैंने मास्क लगा लिया है और स्टेशन भी मेरे सामने ही है, बस पहुँचने वाला हूँ स्टेशन भी, और स्टेशन जाता हूँ, टिकट लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। ये अयान क्या कर रहे भाई, ओहो देखिए गाइज स्केच कर रहा है भाई, क्या नाम है इसका, नारुतो फैंस, क्या बात है। गाइस नारुतो फैंस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अयान देखो भाई वीडियो शूट हो रही है, पहली बार लॉन्ग वीडियो डालेगा अभी ये, पहली बार, अभी तक तो शॉर्ट्स बना के डालता था, लेकिन अब पहली बार ये लॉन्ग वीडियो बना के डालेगा। देखो स्टैंड पे ऐसा कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, सही है, बस बढ़िया ऐसे ही लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ होएगा इंशाल्लाह जरूर। मम्मी खाना बना रही हैं, क्या बना रही हो मम्मी, आज कुछ समझ नहीं आ रहा, खिचड़ी बना रही हूँ। ओह कुछ समझ में नहीं आ रहा तो खिचड़ी बना रही हो, जब
क्या बात है, क्या बात है, सही है सही है सही है, खिचड़ी खा लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। गाइस मैं स्टेशन पर आया था मगर सेंट्रल लाइन की एक भी ट्रेन चालू नहीं है। गाइस गाइस 5 बजे चालू होगी, 5 बजे तक मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो गाइस मैं घर जा रहा हूँ। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा, पोपट हो गया यार। गाइस घर जाना पड़ेगा मुझे, घर जा रहा हूँ गाइस वापस। पोपट हो गया बहुत बड़ा यार, क्या करूँ अब मैं, कैसे जाऊँ। मगर जो ट्रेन का ऐप है उसमें ट्रेन शो कर रहा है, और मैंने यहाँ टिकट काउंटर पर आके पूछा तो बोलते टिकट ही नहीं है, नहीं चलेगी, 5 बजे ट्रेन चालू होगी। मैं बोला यार अभी 1 बज रहा है, 5 बजे तक मैं क्या करूँगा। पोपट हो गया यार, झंड हो गई। तो मैंने मानव को फ़ोन करके बोला कि भाई 5 बजे चालू होगी। वो बोलता ठीक है भाई, देख ले जैसा भी है तेरा। वो बोला हाँ ठीक है, क्या करे, फिर मिल लेंगे। सो गाइज घर पे आ चुका हूँ मैं अपना पोपट करा के। सो गाइज मैं घर आ गया हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिया मैंने। गाइज लिटरली बहुत गंदा पोपट हुआ आज यार, पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, बड़ा बुरा लग रहा है गाइज मुझे। गाइज सो गए थे दोपहर में, उठ गए फाइनली, अब चाय पियेंगे। देखो चाय रेडी है। दोपहर को सो गए यार, बहुत अच्छा लगता है, मतलब दोपहर की नींद इतनी अच्छी होती है कि रात की नींद भी इतनी अच्छी नहीं होती है। पर रात को सो के इतना फ्रेशनेस फील नहीं होता जितना दोपहर में सो के फ्रेशनेस फील हो जाता है ना भाई, बहुत कसम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो गाइस? फाइनली मैं मेडिकल में आ गया हूँ, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी विटामिन मेडिसिन के बारे में। तो सबसे बेस्ट जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो है सुप्राडीन करके नाम आता है। अगर आपको जो आपको कमी महसूस हो रही है, कुछ लेजीनेस फील होता है, या फिर लो सा फील होता है, तो वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन आती है विटामिन के लिए, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स वगैरह की, लेकिन सबसे बेस्ट सुप्राडीन है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सेल है इसकी, और इसमें देखो मल्टी विटामिन है और मिनरल्स भी है, और इसमें एक अमीनो एसिड भी है। बट ऐसे तो काफ़ी सारी हैं मेडिसिन ऐसा मल्टी विटामिन की, देखिए मैक्सी माइन फोर्ट ये भी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट है। बट ये जो है थोड़ा ज़्यादा प्राइस में है, ये कम प्राइस में, बट इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है अमीनो एसिड वगैरह, और एक ही आती है बेकर्ड एग्जामिन, गैलेक्सो कंपनी की है, मल्टी विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें और इसमें सेम कंटेंट्स हैं। और ये आती है 157 की पड़ती है ये वाली आपको मैक्सीमाइन फोर्ट, और ये वाला जो है बेकर्ड एग्जामिन, और ये है अपना 42 की, और ये वाला 157 का। बट अपने इधर मेडिकल में मुंबई आएगा तो साज मेडिकल है मोहम्मद अली रोड पे, इस पर 15% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। सुप्राडीन सबसे बेस्ट है, देखो 50 रुपीज़ का है, इसमें भी 15 गोलियां हैं, और इन दोनों से ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा है, अमीनो एसिड मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स है, ट्रैक एलिमेंट, बेस्ट है एकदम। गाइस आप इसको जो है ना एनर्जी के लिए, ताकत के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लेजीनेस फील हो रहा है, अपने शरीर में खून की क्षमता बढ़ाने की लिए इसको खा सकते हो, और जो है आपको भूख कम लग रही हो तो उसके लिए भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हो सुप्राडीन, कोई भी मल्टीविटामिन, बट बेस्ट तो मैं यही बताऊंगा। और अंकल आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? माहौल है इस माहौल में, मतलब इम्यूनिटी लोगों की कम होती जा रही है, तो कुवत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए जो है सुप्राडीन बेहतरीन, मतलब उसका नेमुल बदल है, जो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। सो गाइज जैसा कि अंकल ने बताया बहुत बेस्ट, मैं तो इतना अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन अंकल ने बहुत बेस्ट बताया तरीका कि ये, अगर आजकल का तो टाइम ऐसा है कि अपना अच्छे से एनर्जी भी नहीं मिल पाती है, जो फूड वगैरह हम लोग खाते हैं उसके अंदर भी वो बात नहीं आ रही है पहले की तरह, तो हर चीज़ में केमिकल वगैरह मिला रहता है, तो इसलिए सुप्राडीन और मल्टीविटामिन बेस्ट रहता है कोई से भी। आप लोगों को मल्टीविटामिन तो एकदम शरीर को नीड रहता ही है, अगर आप हेल्थी भी हो कुछ भी हो, अगर आपको साल में महीने में खानी चाहिए है ना, जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाती है। कल को बताऊंगा किसी और चीज़ के बारे में। सो बस यही गाइस, फाइनली मैं घर आ गया हूँ और खाता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। अरे मिट्ठू भी चिल्ला रहा है, क्या हुआ मिट्ठू गंदा बच्चा, क्या बात है, खाना खाने दे आराम से मुझे पहले। गाइस आई होप आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।